भोजपुर में पांचवी कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां स्कूल से शौच के लिए बाहर गई छात्रा के साथ आठवीं कक्षा के छात्र ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पीड़िता के परिजनों ने पुलिस को मामला दर्ज कराया और पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पीड़िता का इलाज चल रहा है। के लिए गया लड़का, अच्छा कहाँ लिया गया? तेलहन के खेत में। का कहत रहे? पाँच रुपया चल। हाँ कौ साल के बाबू? बड़का चक्का कौ साल के पढ़ने गए थे स्कूल में, वहाँ से सोच ले जा रही थी। हाँ। उसी में कैसे बच्चा से बात हुआ, खेत चला कर चल करके वही उसी स्कूल का बच्चा था। उसकी गिरफ्तारी हो गई है, काफी ब्लीडिंग है इसके लिए, ब्लीडिंग है ना, रेप का संभावना है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी करने में लगी हुई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी कई ऐसी जगहें हैं जहां पर अभी तक शौचालय की व्यवस्था नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से आए दिन इस तरह की वारदात हो रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए भोजपुर से राकेश कुमार की रिपोर्ट।